अभी T20 विश्व कप चल रहा है और इस दौरान भारत के जो शानदार प्रदर्शन है उसने पूरी दुनिया को हिला डाला है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम एक के बाद एक ऐसी पारी खेल रही है कि सभी को आश्चर्य में डाल रही है। मैच की तरफ गौर करें तो समझ आएगा कि रोहित शर्मा में कुछ तो बात है। उनकी कप्तानी, उनका बीच का संरक्षण, टीम का बनाना, प्लानिंग करना इतना उम्दा होता है जिसका परिणाम अभी भारत के प्रदर्शन से समझ आ रहा है। रोहित शर्मा T20 फॉर्मेट में भारत के सबसे अहम खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। वह T20 विश्व कप में 1000 से अधिक रन बनाकर रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया है। बता दें कि रोहित शर्मा ने T20 में 4 शतक और 21 अर्धशतक बनाए हैं। रोहित शर्मा ने सबसे अधिक रन श्रीलंका के खिलाफ बनाया था, जो 118 रन है। 2022-2023 के विश्व कप की बात करें तो भारत ऐसे मोड़ पर आकर हारा था जहां से सभी रन पर मजबूर हो गए थे, लेकिन रोहित शर्मा के कप्तानी के बाद इस बार के बाद भारत के प्रदर्शन के बाद ऐसा लग रहा है मानो रोहित शर्मा सभी सालों का बदला एक बार में ही ले लिया। गौर हो कि विश्व कप 2023 में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया था। इसके बाद पूरे देश के साथ साथ रोहित शर्मा भी रो पड़े थे क्योंकि उनका सपना टूट गया था। लगातार 10 मैच जीतने वाला टीम इस तरीके से हार जाएगा यह किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस बार रोहित शर्मा की कप्तानी को देखते हुए ऐसा लगता है मानो रोहित शर्मा सभी हार का बदला इस बार ले रहे हैं। इस T20 विश्व कप की शुरुआत से हम बात करें तो हमें ज्ञान आएगा कि विराट कोहली हो या कोई दूसरा खिलाड़ी, रोहित शर्मा के अलावा कोई भी उम्दा पारी नहीं खेल रहा। विराट का प्रदर्शन इस बार कुछ अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा उन्हें करते हुए टीम इंडिया को झुकने नहीं दिया। आज टीम इंडिया को भी प्रदर्शन कर रही है, उसका पूरा श्रेय सिर्फ रोहित शर्मा को जाता है। हालांकि अगर साझेदारी की बात करें तो रोहित शर्मा और विराट कोहली की साझेदारी काफी खतरनाक साबित हो रही है। बहरहाल टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन करते हुए फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। अब देखना है कि इस बार का फाइनल किसके हक में होगा।